27 दिसंबर को प्रदेश की जयराम सरकार का 2 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, जिसको लेकर सरकार व बीजेपी पार्टी मिलकर एक बड़े कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गई है। बिलासपुर पहुंचने पर प्रदेश वन परिवहन और युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी है। गोविंद ठाकुर का कहना है कि प्रदेश की जयराम सरकार का 2 वर्षों का कार्यकाल ऐतिहासिक और उपलब्धियों भरा रहा है, जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर मीट एक मुख्य उपलब्धि शामिल है। साथ ही उन्होंने जयराम सरकार के 2 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने पर इसे जश्न की तरह मनाने और सरकार व बीजेपी द्वारा मिलकर प्रदेश में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने की बात भी कही। गोविंद ठाकुर ने पूर्व भीरवद सरकार पर विकास के बजाय अदला बदली और राजनीतिक विरोधियों पर केवल जांच तक सीमित रहने का आरोप लगाते हुए पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से जयराम सरकार के कार्यकाल को 100% बेहतरीन होने का दावा दिया है। राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर जहां समाज सेवी संजय कौशल ने शिरकत की, वहीं समापन समारोह के मौके पर सुप्रसिद्ध समाज सेवी शमशेर गौतम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए खिलाड़ियों को इनाम वितरित किए। इस मौके पर प्रदेश भर से करीब 142 प्रतिभागी पहलवानों ने अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस मौके पर पंचगाई के लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए पहलवानों की उत्कृष्टता का भरपूर आनंद भी लिया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता पंचगाई स्कूल में करवाई जा रही है, उसमें महिला वर्ग में सोलन की पहलवान विजेता ने ट्रॉफी अपने नाम की। उसमें 50 किलो ब्रेक वर्ग में प्रीति बिलासपुर विनीता द्वितीय रही और 23 किलो सोनका का बिलासपुर प्रथम, निशा सोलन द्वितीय तथा 55 kg वेट वर्ग में आरती सोलन प्रथम, अरुणा मनकोटिया कांगड़ा द्वितीय, 57 किलो वेट वर्ग में तनु सोलन प्रथम, मधु कांगड़ा सेकंड, 59 kg वेट वर्ग में सोनी सोलन प्रथम, मोनका कांगड़ा सेकंड, 62 किलो वेट वर्ग में प्रिया थापा सोलन प्रीति बिलासपुर सेकंड, 65 किलो वेट वर्ग में सुमन ठाकुर बिलासपुर फर्स्ट, अभिलक्षण सोलन सेकंड, 68 किलो वेट वर्ग में राधा सोलन प्रथम, रुचि मंडी द्वितीय, 70 किलो वेट वर्ग में रानी प्रथम, रवीना कांगड़ा सेकंड, साक्षी हमीरपुर प्रथम, दीवांशी बिलासपुर द्वितीय स्थान पर रही। ये जानकारी कुश्ती संघ के प्रदेश महासचिव जगदीश कुमार ने दी है। सोलन के आदित्य ने न्यूजीलैंड में 12,000 फीट पर हवाई जहाज से छलांग लगाई और सभी को हैरानी में डाल दिया, क्योंकि ज्यादातर युवा ऐसा साहस केवल फौज में ही दिखाते हैं, लेकिन सोलन के आदित्य ने ऐसा कर दिखाया। यही वजह है कि आदित्य स्काई डाइविंग का ये वीडियो वायरल हो चुका है और ये युवा आदित्य के इस रोमांच और साहस से बड़ी छलांग का अनुभव लेने के लिए वीडियो को देखना काफी पसंद कर रहे हैं। गौरतलब है कि हिमाचल के जिला सोलन का युवक आदित्य पूरी न्यूजीलैंड में पढ़ने गया था, जहां उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर वहीं अपने भविष्य की तलाश भी आरंभ की और आज वे विदेश में न केवल अपने पैरों पर खड़ा है, बल्कि वे उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है जो इस जहां से कुछ अलग और हटकर करना चाहते हैं, जिसमें बेहद साहस की आवश्यकता होती है। छोटे दिल वाला तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। चलो आपको बता दें कि आदित्य ने आखिर विदेश में क्या साहस दिखाया, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आदित्य के पिता विजयपुरी इस साहसिक कदम में अपने बेटे के साथ हैं और हमेशा उसके प्रेरणादायक रहे हैं और जो भी आदित्य फैसला लेते हैं वे हमेशा उसके साथ खड़े नजर आते हैं। यही वजह है कि आदित्य का हौसला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और अब वह पानी के अंदर जाकर स्कूबा डाइविंग करने को भी मन मना रहा है। आदित्य के पिता ने बताया कि उनका बेटा अब वहाँ काम करने के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी अपनी पहचान बना रहा है और काफी युवा अब उसे फॉलो भी करने लगे हैं, जिसके चलते वे बेहद खुश हैं और वे अपने आप को आज गौरव महसूस कर रहे हैं कि आदित्य उनका बेटा है। आदित्य से जब इस बारे में पूछा गया तो मीडिया से अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि जिस दिन वह ये साहसिक कदम उठाने जा रहे थे तो उस दिन सुबह सुबह उन्होंने काफी प्रेरणादायक वीडियोस देखी और अपना हौसला बढ़ाया। वही उन्होंने कहा कि उनमें सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि उन्हें ऊंचाई से डर नहीं लगता है, लेकिन जब वह जहाज से छलांग लगाने जा रहा था तो डर का
कुछ देर के लिए एहसास जरूर हुआ था, लेकिन छलांग लगाने के बाद उन्हें लगा कि वे एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हैं जहां डर नाम की कोई चीज नहीं है। आदित्य ने बताया कि डर के दूसरी तरफ सबसे बेहतरीन दुनिया है। आदित्य ने बताया कि जब वह छलांग मारने के लिए जा रहे थे तो उससे पहले कुछ उन युवाओं से बात कर उनका अनुभव जानने का प्रयास किया जो ये पहले स्काई डाइविंग कर चुके थे, लेकिन उन्होंने उसका साहस बढ़ाने की बजाय उसे डराना आरंभ कर दिया, लेकिन उनसे हार नहीं मानी क्योंकि वह खुद से ये कमिटमेंट कर चुका था कि वह उनसे पीछे हटने वाला नहीं है, और यही वजह रही कि वह साहसिक खेल कर पाए।